देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। वी इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गायों का पूजन होता है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के साथ सागर जिले में भी गाय बैलों की हालत इतनी बुरी है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। अकेले नेशनल हाईवे 26 फोर लाइन पर ही सैकड़ों गाय बैल घायल अवस्था में तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं। अब तो यह नौबत आ गई है कि बैलों के झुंडों को सैकड़ों किलोमीटर दूर बूचर खानों में बेचकर तगड़ी रकम ऐंठने वाले ठेकेदार बेखौफ बिजनेस कर रहे हैं। अब इन्हें रोकने के लिए न सामाजिक संस्थाएं सामने आ रही हैं और न ही शासन के नुमाइंदों को इसकी भनक लग रही है। नाम क्या है? अच्छा, कहां से आए हो? जी आप बैल कहां ले जा रहे हो? किसके हैं जी? हल्लू। किसके? हल्लू। हाँ तो आप लोग कहां से लाए थे? घर के तो है ना ये? नहीं, अब बेचने कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा, तो आपको मालूम है जिनसे किसानी होगी या जो बूचड़ खाने जाएंगे, आपको मालूम है? हमें तो यही मालूम कि किसानी होगी। अच्छा, मालूम है तो कितने का रुक जाता है एक बैल? नहीं मालूम। कितने बार ले जा चुके हैं अभी आप यहाँ से? पहली बार है। पहली बार। कितने नंग हैं? कितने नंग हैं बैल? कितने हैं? 28। क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, कहाँ से लाए हो जी इतने बैल? आवार। कहाँ पड़ता है जी आप? बंडा जिले। अच्छा, बंडा सागर जिले में। तो इनको कहाँ ले जा रहे हैं आप इतने जे जानवर? किस? आपने कहाँ से इनको खरीदा था? हम तो मजदूर हैं। अलग है जी, गाँव के तो है नहीं आपकी, आवाज के तो है नहीं, बंडा क्षेत्र के तो है नहीं जी, कहाँ से लाए थे? अच्छा, इसलिए लेके जा रहे हैं जी। और कहीं से आए और आप भी बेचने जा रहे हैं? तो आपको मालूम है इनकी खेती होगी या कहीं ऐसा तो नहीं है जी? और नहीं है सर, खेती तो इनके बूचड़ खाने में तो नहीं जा रहे जी? नहीं, बूचड़ खाने में नहीं। कटने के लिए? नहीं नहीं नहीं। कैसे मालूम है? अब सर ये तो अपन हम यही बोलते हैं, अपन तो मजदूर आदमी हैं। अच्छा, ये कुछ है जो ठेकेदार कौन है? ठेकेदार है हल्ली लोधी। हाँ, हल्ली लोधी। अच्छा चलिए ठीक। लखन देहार महका हजारों लाख भगवान रोड पर मार रहा है, कोई रास्ता नहीं है, सब गौशाला भेजे जा, रोज को हंसे मर रहा, पटलों को पड़ रहा है, सबको व्यवस्था बनाओ, गौशाला पहुंचाओ। आपने किसानी पहले कैसे करते थे? हर बैल से। आप क्या हो गया? आपका आपका ट्रैक्टर सा हो रही है तो अभी नहीं किया, कोई पूछ परक नहीं है बैल? कोई पूछ परक नहीं है, हजारों मर रहा है। गांधी हाउस गाँव में बंद है? बंद हो गई। चालू है? बंद। बंद है। तो आप शासन से क्या मांग कर रहे हैं? आप मांग क्या कर रहे हैं? गौशाला बनवाइया, गौशाला की मांग कर रहे हैं आप? गौशाला में सरकारी गौशाला बने? सरकारी। मैं समिति जैतपुर कछिया अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आप सैकड़ों एकड़ में आपके यहाँ वृक्षारोपण है, आपने कभी आपकी नजर पड़ी नेशनल हाईवे 26 जो फोर लाइन है उस पर से इतने बैल और गाय यहाँ से निकल रहे हैं बिक्री के लिए जा रहे, कहाँ जा रहे हैं आपको जाना? ये तो मुझे शंका की दायरे में है, ये तो कहीं जब आज चकल खेती तो हो नहीं रही है कि ये कहीं जुतने को जा रहे हों। पहले तो ये था कि ये नाटे हैं, पड़ा है, ये जो भैंस से पड़ा होता है तो ये जाते थे कि भैया बालाघाट में या लाल बर्रा में ये खेती के काम पड़ते हैं। अब खेती तो ट्रैक्टरों से हो रही है, सबके यहाँ निजी साधन हो गए हैं, तो ये तो मुझे शंका के दायरे में लगता है। इस पर शासन गौर करे कि आखिर ये पशु जाते कहाँ हैं, चाहे किसी भी प्रकार के पशु हों, मगर ये जा कहाँ रहे हैं? बैल हैं, नाटा हैं, पड़ा हैं, इनकी गौर की जाए, तभी तो कुछ और शासन कुछ तो करे इस पर कि पशु बचें और रोडों पे ना फिरें, फुल लाइन पे मरे ना और कटने ना जा पाए।
आप शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? कांजी हाउस तो बंद हो गई, उसी में आप कर देते थे, नुकसान कर रहे खेतों में, तो गांव गांव गौशालाएं खोली जाए, मेरा तो शासन से यही निवेदन है। और मैं अधिक क्या बात करूं, अब करता रहूं तो कितनी भी बातें हैं कि बढ़ाएंगी नहीं, कि 2 घंटे तो ठीक, 4 घंटे लग जाएंगे, मगर विपत्ति बड़ी खराब है। पशु धन की तो इतनी मार पड़ी है कि उनको तो भगवान ही जाने कि कहां से विपत्ति जैसे सुलझेगी।